हेलो 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 फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक रजाइत वाली रेसिपी, इंडियन रेसिपी और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटन बिरयानी, अमेजिंग मटन बिरयानी लखनवी स्टाइल में आज बनाएंगे ये टेस्टी डिलीशियस रजाइत वाली रॉयल रेसिपी। भारत की बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो कि अमेजिंग है, टेस्टी डिलीशियस है और रिचनेस से भरी हुई है। उस रिचनेस से भरी हुई रेसिपीज को हम बहुत खास मौकों पे बनाते हैं, तो आज हम बना रहे हैं खास मौके पे ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी, मटन बिरयानी, मटन दम बिरयानी। बिरयानी डे पर बनाएंगे ये स्पेशल मटन दम बिरयानी। सेलिब्रेट करेंगे एक रॉयल रेसिपी को, भारत की एक रॉयल रेसिपी को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे, बने रहिएगा वीडियो में, फॉलो कीजिएगा और बना डालिएगा ये लवली टेस्टी डिलीशियस बिरयानी, है ना? मुंह में पानी आ रहा होगा। तो चलिए आज बनाते हैं हम ये परफेक्ट बिरयानी। इसके बाद और किसी रेसिपी की आपको जरूरत नहीं होगी और आप बना पाएंगे टेस्टी यमी डिलीशियस बिरयानी अपने घर में। तो बिरयानी के लिए अब होटल जाना नहीं पड़ेगा और बहुत सारा मनी आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चले, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन आपके लिए लाता है हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी के लिए बने रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ, बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस कीजिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपी देखना है तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, चले बनाते हैं आज की अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मटन को करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 केजी मटन और आप पीसेस देख सकते हैं, थोड़े बड़े साइज के लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़े नहीं लीजिएगा, ऐसे पीसेस लीजिएगा जो आसानी से गल जाए। तो मटन को पहले करना है हमें मैरिनेट, अच्छे से वॉश कर लिया हमने, क्लीन कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शाह जीरा, ऐड करेंगे बिरिस्ता, 200 ग्राम हम यहाँ पे बिरिस्ता ऐड कर रहे हैं। तो बिरिस्ता की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चेकआउट कर लीजिएगा। 100 ग्राम ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐड करेंगे यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्चें, ऐड कर लेंगे 1/2 लेमन का जूस। ये सब सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा टेस्ट भी देते हैं और साथ में मटन को गलने में भी मदद करते हैं। तो 1/2 लेमन का जूस हमने ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट ऐड कीजिएगा। हम यहाँ 2.5 टीस्पून ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, तो यहाँ 3 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया। ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून हम ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, खूब सारा धनिया, धनिया के डंठल, और ऐड कर देंगे पुदीना, और ऐड करेंगे यहाँ 250 ml फेंटी हुई दही। तो 250 ml दही पर्याप्त होती है 1 केजी मटन के लिए। अब ये जो ऑनियन हमने बिरिस्ता बनाया था वो वाला ऑयल हमें ऐड करना है, तो 4 टेबलस्पून 4 लेडर हम यूज करेंगे, टेबल स्पून से भी बड़ा होता है लेडर, तो 4 लेडर हम यहाँ ऐड कर रहे हैं।
ऑनियन ऑयल और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी इसमें रजाइत भरता है और स्मूथ बनाता है, इजीली ये अच्छे से बाइंड कर देता है सभी चीजों को। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको मैरिनेट। प्रॉपरली करिएगा ताकि सारे इंग्रेडिएंट एब्जॉर्ब हो जाए मटन में। और मैरिनेट करने के बाद मटन को 4 से 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे आप इसको मैरिनेट होकर रखते हैं तो आप देखेंगे कि मटन गल भी जाता है। 25% मटन गल जाता है जब आप उसको मैरिनेट करके रख देते हैं, क्योंकि इसमें दही है, लेमन है और बहुत सारे मसाले हैं जिनमें हम इनको मैरिनेट कर रहे हैं। आप चाहें तो यह खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम खड़े मसाले तड़के में ऐड करेंगे, यहाँ नहीं ऐड कर रहे हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद इसको हमें ढक कर रखना है कम से कम 4 से 6 घंटे। 6 घंटे का हमें रेस्ट देना है। तो देखिए कितना अमेजिंग, आप देख रहे हैं टेक्सचर देख सकते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर है। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट है जो इसको बहुत ही फ्लेवरफुल बनाते हैं। तो अब इसको हम ढक के रख देते हैं 4 से 6 घंटे रेस्ट के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जब आप मटन बना रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारा बिरिस्ता और है जो कि हम यूज करेंगे। बिरिस्ता आप बनाकर रख लें, कई दिनों तक आप रख सकते हैं उसको बनाकर। तो यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं और 6 घंटे का वेट करते हैं, कम से कम 6 घंटे हम इसको रेस्ट देंगे। तो देखिए 6 घंटे हो चुके हैं और कलर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है सारे इंग्रेडिएंट मटन में और मटन का कलर भी आप देखेंगे चेंज हो चुका है। तो चलिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मोटे तले का बर्तन लिया है, यहाँ बिरिस्ता वाली जो ऑयल बची हुई थी वो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 से 6 लीटर ऑयल ऐड किया है, जो बिरिस्ता वाला ऑयल है वही ऐड कर रहे हैं और साथ में ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1/4 कप घी ले रहे हैं, ये गाय का घी है, देसी घी, गाय का घी ही ऐड करें। ऐड करेंगे 2 बे लीव्स 4 टुकड़ों में, 1 हम ऐड करेंगे ब्लैक कार्डमम, 2 ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची और 5 से 6 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और ऐड करेंगे 8 से 10 काली मिर्च। तो ये खड़े मसाले हैं जो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब जैसे ही ये मसाले हल्के चटकने लग जाए तो ऐड कर देंगे हम मैरिनेट किया हुआ रेस्ट किया हुआ मटन। मटन हमारा 6 घंटे रेस्ट कर चुका है, तो 25% ये डन हो जाता है यदि आप 6 घंटे इसको रेस्ट कराते हैं। यदि समय है तो आप ओवरनाइट रेस्ट करा सकते हैं। तो देखिए अब इसको हमें पकने देना है, ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं, बीच बीच में चेक करेंगे। हमने लिया है मोटे तले का बर्तन, मोटे तले का ही बर्तन लीजिएगा जिससे ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि इसे चलाना नहीं है हमें। फ्लेम को हमें पहले हाई करना है 2-4 मिनट और उसके बाद लो कर देना है। इस मटन को पकने में तकरीबन 44 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो बिल्कुल दम पे पकेगा, हल्के आंच पे पकेगा। तो इसको ढक देंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे। देखिए 10 मिनट बाद, हर 7 से 8 मिनट 10 मिनट बाद हमेशा चेक जरूर कर लेना है, थोड़ा चला भी देना है। लेकिन 7 से 8 मिनट बाद हमें चेक करना है। फ्लेम को हमने लो रखा है, लो हीट पे ही पकाना है, बहुत ही प्यार से पकाना है। ये देखिए हम 7 से 8 मिनट बाद चेक करते हैं तो जो दही है उसने अपना पानी छोड़ा है, मटन का अपना पानी है जो छूटता है, तो बिल्कुल पानी की जरूरत ही नहीं महसूस होगी आपको, इसी में पकेगा ये। इसीलिए हम दम पे पका रहे हैं इसको अच्छे से ढक के, ये जो लेड है ना ये अच्छे से ढक देता है इसे। तो हर बार 7 से 8 मिनट में हम इसको खोल के देख लेते हैं, थोड़ा चला देते हैं। आप कलर देख सकते हैं कि हर बार आप देखेंगे कि मटन जो है वो जैसे जैसे पकेगा कलर चेंज हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। देखिए ऑयल और घी दोनों है, क्योंकि रजायत वाली लखनवी बिरयानी हम बना रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप घी यूज करें। पूरी तरह घी में भी बना सकते हैं,
लेकिन खाली घी जलता है ज्यादा, इसलिए इसमें थोड़े ऑयल मिक्स कर लेते हैं। तो उसको चेक कर लेते हैं मटन को कितना पका है। देखिए काफी पक चुका है मटन, हमें कम से कम 90-95% मटन को पका लेना है। तो देखिए बीच बीच में हम चलाते जा रहे हैं और मटन को चेक करते जा रहे हैं, इसको ढकते जा रहे हैं। अब ये काफी पक चुका है तो अब इसमें ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला, ये स्पेशल बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम इंग्रेडिएंट को शेयर कर देंगे। तो ये बिरयानी मसाला रेडी है, देखिए बहुत ही अमेजिंग बिरयानी मसाला है। तो मटन अब लगभग रेडी होने को है, फिर से ढक देते हैं और ढककर फिर 7-8 मिनट बाद फिर ओपन करते हैं। देखिए बिल्कुल रोगन आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है और मटन अच्छे से 90% डन हो गया है। अब इसे हमें सिर्फ 5% और डन करना है और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रोगन है ना एक्स्ट्रा, इसको निकाल लेंगे ताकि इसको हम जब बिरयानी लेयरिंग करें तो उसमें यूज कर पाए। तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे, देखिए काफी रोगन है तो इसको हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने 100 ml दही लिया है तो ये रोगन सीधे दही में ऐड करेंगे। तो ये फेंटी हुई दही है 100 ml, इसके अंदर हम ये रोगन ऐड कर देते हैं। थोड़ा मसाला भी साथ में आएगा, कोई बात नहीं, इस रोगन को इसमें ऐड कर देते हैं। ये रोगन ही तो कमाल का है जो कि बिरयानी को देगा एक अमेजिंग टेस्ट और कलर भी देगा साथ में। इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए रोगन हमें रेडी करना है जो कि हम बिरयानी के लेयरिंग में यूज करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे मुट्ठी भर बिरिस्ता, देखिए मुट्ठी भर बिरिस्ता ऐड किया और ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। तो यहाँ 1 teaspoon हमने बिरयानी मसाला ऐड किया, चॉप कोरिएंडर, चॉप मिंट लीव्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्पेशल मसाले को हम ऐड करने वाले हैं लेयरिंग में। अब इसमें ऐड करेंगे केवड़ा वाटर, तो केवड़ा वाटर हमने 2 tablespoon ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लखनवी बिरयानी हो और उसमें केवड़ा ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। केवड़ा वाटर हमने ऐड कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि रोगन निकल चुका है, मटन 95% डन हो चुका है। 95% डन होने के बाद मटन कैसा दिखता है, देखिए इस तरह का मटन रेडी है। चलिए हम बना लेते हैं बिरयानी के लिए राइस। यहाँ पे हमने आधा घंटा सोक करके रखा राइस को, आधा घंटा कम से कम। लॉन्ग ग्रेन राइस है बिरयानी राइस, यहाँ पानी गर्म करने के लिए रखा हमने। बिरयानी राइस को अच्छे से छान के पानी में से निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे ही पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, उबाल आने लग जाए, तब इसमें ऐड करना है इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले ऐड करते हैं 3 लाल फ्रेश रेड चिली और ऐड करेंगे वे लीव्स, 3 से 4 हमने वे लीव्स ऐड किए हैं। ऐड करेंगे 3 ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, इन सब का फ्लेवर आएगा राइस में। ऐड करेंगे 2 जावित्री, देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ रहा है, उबाल आ रहा है और हम सारे खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं इसमें, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा राइस के अंदर। ऐड कर देंगे 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी के टुकड़े, ऐड कर देंगे शाहजीरा 1 teaspoon, शाहजीरा नहीं हो तो आप नॉर्मल जीरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शाहजीरा यूज कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है बिरयानी में। आपने देखा मैरिनेशन में भी हमने शाहजीरा यूज किया। ऐड करेंगे 10 से 15 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। इन मसालों को आप चाहे तो पोटली में बांध के भी डाल सकते हैं, बाद में निकाल भी सकते हैं। ऐड कर देंगे चॉप कोरिएंडर लीव्स, चॉप मिंट लीव्स। पानी का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, मसालों की वजह से आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे राइस जो हमने भिगो के रखा था आधे घंटे, ये 2 चाबी लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है और इससे बनने वाला बिरयानी का तो बात ही नहीं है। बिरयानी इतनी अमेजिंग बनती है
कि आप इसी राइस से बनाना पसंद करेंगे। तो बिरयानी के लिए डबल चाबी बहुत ही बेस्ट है। देखिए हम ऐड कर रहे हैं, 1 किलो हमने राइस भिगोया था, 1 किलो मटन है तो 1 किलो राइस होना चाहिए। तो 1 किलो राइस हमने भिगोया था, ये कंप्लीटली ऐड कर देंगे हम। 2 बैचेस में ऐड करें तो ज्यादा बेटर है। हमने पहला बैच ऐड कर दिया है, पहले बैच में 75% हम राइस ऐड कर देंगे। यदि आप एक साथ बनाना चाहें तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा लेना होगा आपको, ताकि खौलता हुआ जो राइस है वो अच्छे से उसको जगह मिले। तो आप इसको उबलने देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको अच्छा बॉईल आने देंगे। ऐड कर देंगे ऑयल, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसको अच्छे से चला देंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि ये सेपरेट रहे, राइस आपस में चिपके नहीं। अब इसको अच्छे से बॉयल आने देते, खूब अच्छे से बॉयल आना जरूरी है। अच्छा बॉयल आ जाए तब तक हमें इसे अच्छे से उबालना है, फ्लेम को हाई रखना है। देखिए थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रहे हैं हम, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं, तो टोटल हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, जिससे ये अच्छे से तैयार हो। ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं, मेल्टेड घी ऐड कर सकते हैं आप। इस पानी को आप फेंकेगा नहीं, इसको आप सूप वगैरह बनाने में, वेजिटेबल बनाने में आप यूज कर सकते हैं। तो उबाल आने देते हैं, पहले हम फ्लेम को हाई रखते हैं और जैसे ही अच्छे से उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो फ्लेम को अभी हमने हाई रखा हुआ है, बॉईल का वेट कर रहे हैं। ऐड कर देंगे सॉल्ट, यहाँ पे तकरीबन हमने 2 टीस्पून ऐड किया सॉल्ट, ताकि चावल अच्छा नमकीन हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 लेमन का जूस। लेमन जूस क्या करता है, आप ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। लेमन जूस जब भी आप राइस बनाएं उसमें जरूर ऐड करें, इससे जो राइस का मटमैलापन है वो निकल जाता है, राइस खिले खिले व्हाइट कलर के हो जाते हैं। लेमन जूस जरूर ऐड कीजिएगा, जब भी आप प्लेन राइस बना रहे हैं, बिरयानी के लिए राइस बना रहे हैं, तो आप लेमन का जूस जरूर ऐड करें। तो देखिए लेमन जूस ऐड कर दिया और आप देख सकते हैं बॉयल आने लगा है, अच्छे से बॉयल आने लगा है। इसको थोड़ा सा चला भी देंगे, बहुत ज्यादा आपको नहीं इसको छेड़खानी करनी है, थोड़ा बहुत चला दीजिए जिससे नीचे चिपके नहीं। अब बिरयानी के लिए जो राइस है वो 2 तरह से हमें निकालना है। एक पोर्शन हमें निकालना है जो कि 40-50% कुक हो, और दूसरा पोर्शन हमें निकालना है जो कि 70-80% कुक हो। तो पहले हम 40-50% डन कर लेते हैं राइस को, उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हम जो राइस हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे 70-80% डन। तो देखिए अच्छे से बॉयल आने देते हैं, 40-50% डन होते ही हम निकाल देंगे, क्योंकि लेयरिंग जब हम करते हैं तो नीचे का लेयर जो है वो हाफ डन होना चाहिए, क्योंकि वो मसाले के साथ पकता है, मटन के साथ पकता है। इसलिए उसको यदि आप 70-80% डन कर देंगे ना, तो ऐसा होगा कि नीचे वाला जो है वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, वो लटपटा हो जाएगा। तो लटपटा नहीं करना है हमें, इसलिए हमें 2 लेयर अलग अलग हमें डन करना है। तो सबसे पहले हम 40-50% यानी हाफ डन करके निकाल लेते हैं राइस को। देखिए अच्छा ये उबाल आ चुका है चावलों में, चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह का हुआ है। तो ये 40-50% डन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, जाली में निकालें ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए, पानी अच्छे से ड्रेन करके फिर इसको हमें प्लेट पे फैला देना है। इस राइस को हमें सुखाना है, यानी बिल्कुल इसको हवा में आप रख दें तो ये अच्छे से थोड़ा सा स्ट्रक्चर पकड़ लेता है। स्ट्रक्चर होना राइस में बहुत जरूरी है। तो आप इसको पहले अच्छे से निकाल लें, निकाल के इसको फैला दें प्लेट के ऊपर, थाली के ऊपर, बड़ी थाली के ऊपर फैला दें, और फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से सूखने दें। रूम टेम्परेचर पे ही रखना है आपको और थोड़ा सा उसको सूखने देना है। उसको फैला दीजिए अच्छे से, ये देखिए हम निकाल रहे हैं पूरा। और सेकेंड बैच हम ऐड करेंगे जो कि हमें 70-80% डन करना है। ये फर्स्ट बैच हमने ऐड किया था,
जो कि जितना हमने राइस लिया उसका 75% हमने राइस ऐड कर दिया था, और ये देखिए ये हमारा 40-50% डन राइस है, आप देख सकते हो। इसको हमने फैला दिया है अच्छे से ताकि ये सूखे, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इतना ही डन करना है इसको हमें। अच्छे से इसको सूखने देते हैं। सेकेंड बैच हमने ऐड कर दिया है और सेकेंड बैच हमें 70% डन करना है। 70-80% आप डन कर सकते हैं इसको। 80% डन करके आप इसको भी निकाल लेंगे हम। देखिए ये 80% डन हो गया, तो इसको हम निकाल लेंगे, उसी तरह से जाली पे निकालेंगे और उसको भी फैला देंगे ताकि पानी एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाए और ये अच्छे से सूख जाए। तो इसको फैला देते हैं अच्छे से। तो टोटल राइस हमने 1 केजी बनाया है, 1 केजी मटन है, तो 1 केजी हमने राइस लिया है। इनको हल्के से हवा में सूखने देते हैं। देखिए 80% डन है, आप देख सकते हैं, 1 50% डन है, 1 80% डन है। तो ये हमारा 50% डन राइस है और हमारा 80% डन राइस भी रेडी है। दोनों राइस हमारे रेडी है और अच्छे से ड्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें पानी नहीं है, अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। ये देखिए ये हमारा डन हो चुका है, अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो ये लेयरिंग के लिए रेडी है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है लेयरिंग। तो हम कर लेते हैं लेयरिंग। यहाँ पे एक तवा लगाया हमने, मोटा बर्तन है फिर भी हमने तवा लगाया है। मटन हमने आधा निकाल लिया है और आधा हमने इसमें रहने दिया है, क्योंकि लेयरिंग करेंगे तो आधा हमने नीचे रखा है। उसके ऊपर ये 50% डन वाला राइस हम फैला देते हैं। ये देखिए अच्छे से फैलाना है। 50% डन राइस को हमने फैला दिया। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम फैला देंगे अच्छे से इसके ऊपर। आप देखेंगे इससे कितना अच्छा कलर आ जाएगा राइस के ऊपर। तो इसको फैला दें, साइड साइड में फैला रहे हैं हम ताकि बीच में सफेद वाली राइस भी रहे। तो इसको फैला देते हैं अच्छे से। एक लेयर हम लगा चुके हैं राइस का, मटन नीचे है ऊपर राइस का लेयर है। लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बिरिस्ता ऐड कर देंगे। बिरिस्ता हमने बहुत सारा बनाया था और ऐड कर देंगे देसी घी। ये देखिए अच्छे से देसी घी ऐड करें। रजाइत वाली रेसिपी है, लखनवी रेसिपी है, तो घी तो बनता है, बिना घी के बिरयानी बनती है क्या? तो घी यूज करें अच्छे से खुले दिल से। और अब इसके ऊपर जो बचा हुआ हमने मटन निकाला था उस मटन को ऐड कर देते हैं, और ऊपर से ऐड कर देंगे चॉप कोरिएंडर, चॉप मिंट लीव्स, और फिर से हम ऐड करेंगे राइस। अब की बार हम 70-80% डन जो राइस है उसको ऐड कर रहे हैं। देखिए कंप्लीटली ऐड कर दिया हमने। हमने जो लिड लिया वो डोम शेप है तो इसलिए स्पेस काफी रहेगा। अब वो जो बचा हुआ है मिक्सचर उसको ऐड कर देते हैं। तो इसमें रोगन है, मसाले हैं, तो ये अच्छा फ्लेवर देते हैं मटन को। इस तरह से बनाइएगा, कमाल की रेसिपी बनती है। अब ये केसर, हमने 1 ग्राम केसर भिगो के रखा था गर्म पानी में, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे खूब सारा बचा हुआ जितना बिरिस्ता है ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी ऐड कर देंगे। तो बिरिस्ता हमने कंप्लीटली ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स और यस देसी घी। तो ऐड कर देते हैं बचा हुआ जितना घी है, तकरीबन हाफ कप घी हमने ऐड किया है पूरे में, और ऐड कर देंगे चॉप कोरिएंडर, चॉप मिंट लीव्स। अब यहाँ कुछ लोग उबले हुए अंडे भी यूज करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होगी ना तो किसी भी अंडे की या किसी और रेसिपी की जरूरत होगी। अब इसको अच्छे से कवर करेंगे। डोम शेप है तो स्पेस काफी है। देखिए लिड हमने डोम शेप लगाया, आप चाहें तो आटा लगा सकते हैं, लेकिन ये लिड इतना टाइट है कि बिल्कुल एयर नहीं निकलेगा। पहले हाई हीट पे हम 4 से 5 मिनट इसको पकने देते हैं, उसके बाद हीट को लो करेंगे और 25-30 मिनट्स हम इसको कुक करेंगे। देखिए 25-30 मिनट्स हम कुक करेंगे लो हीट पे। 4-5 मिनट हमने हाई हीट पे पकने दिया था, अब बिल्कुल लो कर दिया हीट को और इसको तकरीबन 25-30 मिनट हम कुक करेंगे लो हीट पे।
नीचे तवा लगा हुआ है तो अच्छे से हीट जो है चारों तरफ स्प्रेड होता है। देखिए बहुत अच्छे से ये पकता है, सब कुछ पका हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 मिनट्स हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर दें और अब इसको ढके हुए रहने दें 10 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट बाद ही हम लिड को ओपन करेंगे। तो बिरयानी रेडी हो चुकी है, खुशबू पूरे किचन में है, भूख लग गई ना। तो चलिए जल्दी 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट बाद ओपन करते हैं। और ये लीजिए तैयार है यम्मी टेस्टी डिलीशियस मटन दम बिरयानी। अमेजिंग 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 है ना, बहुत ही लजीज बनी है ये रेसिपी। और इंडियन रेसिपीज तो अपने आप में इतनी लजीज होती है, रॉयल होती है, रिच होती है कि इसे बनाना और खाना सभी लोग पसंद करते हैं। तो देखिए बिरयानी को काटने का भी एक तरीका होता है, हर लेयर इस तरह से काटें और ध्यान रखें 15 मिनट रेस्ट देने के बाद ही काटें। ये देखिए आपको बिल्कुल खिला खिला मिलेगा, हर लेयर आप देखेंगे, नीचे के लेयर्स भी आप देखेंगे कि बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। अब अच्छा होगा कि खुले रहने दें 10 मिनट और फिर सर्व करें, कम से कम 10 मिनट खुला रहने दें। इससे क्या होगा, जो पानी का पोर्शन रहता है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद गर्मा गर्म सर्व कीजिए मटन दम बिरयानी। स्पेशल टेस्टी डिलीशियस वाओ रेसिपी है ये। तो हैप्पी बिरयानी डे टू ऑल फूड लवर्स। फूड लवर्स के लिए बिरयानी जैसी चीज मिल जाए तो क्या कहना। तो चलिए अब प्लेट कर देते हैं। देखिए खिला खिला एक एक राइस आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं एक एक राइस को। तो हर लेयर को जरूर प्रेजेंट करें। बिरयानी को परोसना भी एक कला है कि आपको हर लेयर को प्लेट करना है। ये दमादम प्लेट कर देते हैं सारी बिरयानी की लेयर्स को, मटन को, और एंजॉय करते हैं ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। बहुत ही लजीज, मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी है ये। प्लेट कर दें जल्दी से इसको, बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग। यदि आपको भी बनाना है ये टेस्टी डिलीशियस रजायत वाली लखनवी मटन दम बिरयानी तो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा। सोचिएगा मत, खास मौकों पे जरूर बनाइएगा ये मटन दम बिरयानी। आप यदि नॉन वेजिटेरियन है तो ये रेसिपी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है। और हमारे जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स है वो इसे वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल के साथ जो बिरयानी बनती है ना फ्रेंड्स, उसे आप बिरयानी नहीं कह सकते। कम से कम वो बिरयानी तो नहीं है फ्रेंड्स, उसे आप कह सकते हैं पुलाव, उसे कह सकते हैं मसाला भात। तो बिरयानी तो होती है मटन या चिकन या एग बिरयानी, तो बनाइए जरूर। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो जरूर बनाएंगे मटन दम बिरयानी। इस तरह से बनाइएगा, देखिए खिले खिले हैं राइस, एक एक राइस खिले खिले मिलेंगे आपको। यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे तो सेला बासमती राइस के साथ बनाइएगा, लेकिन यदि आप इसको हैबिचुअल हैं बनाने की तो आप बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन यूज कर सकते हैं। तो बन जाएगा ये टेस्टी डिलीशियस मटन दम बिरयानी, लखनवी बिरयानी, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। हम आपको बताते हैं कि मटन कैसे कितना पका है। देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है मटन और राइस आप देख सकते हैं परफेक्टली डन है। तो आनंद उठाइए मटन दम बिरयानी का, बहुत ही खिला खिला। और इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप हमेशा बना पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट मटन दम बिरयानी। चलिए बना लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं, चुपके चुपके मत जाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। मैजिक किचन, स्वाद का जादू, याद रखिएगा। फिर लाएंगे आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। चलें बनाते हैं और नए प्रोग्राम और लाते हैं और नई रेसिपीज आपके लिए। आपका प्यार यूं ही बरसता रहे मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में, और बनाते रहें आप अच्छी अच्छी रेसिपीज और जगाते रहें स्वाद का जादू।